हाय, मैं हूं नुत यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि एक्टिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब ऑडिशन देने जाता हूं तो मुझे 95% से भी ज्यादा लोग ऐसे लोग आते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है एक्टिंग के बारे में, सीख भी के कुछ नहीं है, ऐसे उठ के चले आए हैं, ऑडिशन में आ जाए हैं और कुछ पता नहीं है। और बचे 5% लोग, तो 5% में तो 3% लोग ऐसे लोग हैं जो सीख के तो आए हैं लेकिन बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलने मिलने जाते नहीं, अपना सुट्टा मार रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। बचे 2% लोग, तो वो लोग हैं जो कुछ अच्छे से मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आपको वह 2% लोगों में या 1% लोगों में आना है। तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग सीख वीख के नहीं आते, ऐसे ही आ जाते हैं। आप आओगे, आपको भी पता चल जाएगा। तो अगर आप सीख के आ रहे हैं तो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, वो आपको देख के पहचान लेंगे, आपके बात करने के टेक्निक से पहचान लेंगे, हाँ भाई इसको एक्सपीरियंस है, कुछ सीखा हुआ है। नहीं तो वो आपके बातचीत से पकड़ लेंगे, यार ये तो कुछ सीखा ही हुआ नहीं है और डायरेक्ट मुंह उठा के चला आया है, तो बैड इंप्रेशन पड़ता है इसे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप सीख के आइए, कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है। ईमानदारी से रहिए, लगे रहिए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए सबसे, लोगों से मिलिए जुलिए, पूछिए मेरे लुक का कुछ चल रहा है क्या, और आज नहीं तो कल आपको काम मिल ही जाएगा। और कंपटीशन की बात नहीं तो दोस्तों, अगर किसी फील्ड में कंपटीशन नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। और किस फील्ड में कंपटीशन नहीं है आप बताइए, गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन है, चाहे खेल कूद में जाए, क्रिकेट में, वहाँ कॉम्पिटिशन, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है, इसलिए वहाँ पर वैल्यू है, नहीं तो कुछ रहेगा ही नहीं फिर। तो आइए, मेहनत करके सीखिए, पूरा जी जान लगाइए, ईमानदारी से काम कीजिए और कास्टिंग डायरेक्टर से मिलिए, उनसे बात कीजिए। अगर आप अपने काम ईमानदारी से करेंगे ना, तो ये बात सच है कि आपको काम बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं नया नया स्टार्ट किया था, अगर आप सेट पे अच्छे से रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, कास्टिंग जो सेट पे जो लोगों उनसे अच्छे से बात करेंगे, तो आप काम मांगोगे उनमें, वो आपको काम देंगे। उसके पहले आपको काम आना चाहिए, अगर आप काम अच्छे करें तो आपको काम जरूर मिलेगा। तो ये एक छोटा सा टिप्स था, मैंने चलो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कॉम्पिटिशन बहुत है, ऐसा है वैसा है, तो बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं, आइए ईमानदारी से, लेकिन सीख के आइए, कम से कम 3 साल सीख के जरूर आइए। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं या किसी थिएटर से सीख रहे हैं, जहाँ से भी सीखिए, आइए सीख के आइए, और उसके बाद भी आपको लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा ही। मैंने कई सारे लोगों से सीख के आए, लेकिन मिलते जुलते किसी से नीचे बैठे रहते हैं, हाँ कोई आएगा मेरे पास तो ही नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको अपने चांसेस बढ़ाने पड़ेंगे। दोस्तों, ये सेल्स मार्केट जैसा है, आपको लोगों के पास जाना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, हाय हेलो करना पड़ेगा, देखिए मेरा प्रोडक्ट कैसा, ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जाएंगे लोगों को मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपके चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो आइए सीख के आइए, बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं है। तो यही था आज छोटा सा वीडियो। तो वीडियो कैसे लगा, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।